नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन लर्निंग सीरीज के 25th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ओके, लास्ट जो वीडियो है हमने वोलेटिलिटी का जो इफेक्ट है ऑप्शंस के प्राइजिंग पे, वो क्या होता है, वो वेगा होता है, वो हमने डिस्कस किया था। और उसमें जो है आपको दो असाइनमेंट दी गई थी। खुशी हुई कि बहुत सारे लोगों ने जो है ये ट्राई किया, उन्होंने रिप्लाई किए, मैसेज किए। कुछ के क्वेश्चन जो हैं, जो आंसर थे वो सही नहीं थे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने गूगल से एज इट इज़ कॉपी करके भी जो है हमको आंसर रिप्लाई किया, वहाँ पे कुछ कॉपी करते उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो गामा जो है उन्होंने प्लॉट कर दिया वीगा की जगह। लेकिन एनीवे ट्राई किया, वो सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कर रहे हैं, अच्छी बात है। कुछ लोगों ने जो है वहाँ पे कॉपी पेन से भी ट्राई किया, वो हमको ज़्यादा अच्छा लगा कि वो अपने दिमाग से उसको एवलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का असाइनमेंट का आज का जो ये छोटा सा वीडियो है, ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम एक्चुअल जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि हमको जो है प्लॉट करना था वेगा को डिफरेंट आईवी के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको हिंट भी दिया था। हिंट क्या दिया था, आपको जो है एक चार्ट प्लॉट करना है कि कैसे जो है वेगा का इफेक्ट होगा डिफरेंट आईवी के लिए। वो आपको ऐसे प्लॉट करना था, यानी कि एक यहाँ पे ये स्ट्राइक का है, एटीएम स्ट्राइक जिसको बोल सकते हैं हम। ओके, ये इन द मनी है और इधर आउट द मनी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो वेगा का इफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी कि मनी नेस के अंदर आईटीएम में, एटीएम में और ओटीएम में कैसा रहेगा, वो ध्यान होगा आपको कि हमने जो है एक ऐसा ग्राफ प्लॉट किया था। ठीक है, एटीएम पे जो है वेगा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको करना ये था कि मान लेते हैं कि ये जो केस है, ये केस जो है जब आईवी 25 है। ओके, आपको जो है ये प्लॉट करना था कि जब आईवी 45 होगा तब क्या होगा, यानी कि जब आईवी बढ़ जाएगा तब वेगा पे क्या असर पड़ेगा, और जब आईवी जो है 15 हो जाएगा यानी कि 10 कम हो जाएगा तब आपको क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है तीन केस प्लॉट करने थे। एक केस तो आपके सामने अल्टीमेट हमने बताया था, हमने वहाँ पे डिस्कस ही किया था, आपको जो है बाकी के दो केस प्लॉट करने थे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको एक हिंट दिया था, आप क्या कर सकते हो, जो आपके साथ एक्सेल शेयर किया गया था ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेटर के नाम से, वहाँ पे आप जो है आईवी बढ़ा करके और देख सकते थे कि ग्रीक्स कैसे बढ़ सकता है, तो उससे आपके दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता। आपको गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आपको कहीं और इंटरनेट यूट्यूब पे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, आपके पास जो पोर्टल है या फिर आपके पास आईवी कैलकुलेटर है या ग्रीक्स कैलकुलेटर है, वहाँ पे आप सिंपली आईवी बढ़ाओ और आप देख लेते कि ग्रीक्स में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको जो है आप अपने ग्राफ में प्लॉट कर सकते थे या फिर एक्सेल में प्लॉट कर सकते थे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आईवी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आईवी बढ़ जाएगा तो उसके कारण जो है जो वेगा है वो कुछ ऐसे जो है चेंज आएंगे, आपने उसमें ग्रीक्स कैलकुलेटर में देखे भी होंगे। ठीक है, तो आईवी बढ़ने पे जो वेगा की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, कहाँ पे, इन द मनी में और आउट द मनी में, लेकिन जो एटीएम स्ट्राइक है वहाँ पे अनचेंज्ड है, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वोलेटिलिटी का एटीएम स्ट्राइक पे जो वेगा है उस पर इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि जो वोलेटाइलिटी है उसका इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है एटीएम स्ट्राइक पे। ओके, हमने वहाँ पे देखा था लास्ट में, आपने फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया था कि जब वोलेटाइलिटी कम या ज़्यादा होती है एटीएम से बाहर होता है प्राइस, तो वहाँ पे कम होने लग जाती है एटीएम पे जो हाईएस्ट होती है। ठीक है, ये क्या था, ये जो वेगा है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव था। ठीक है, फर्दर अगर वोलेटाइलिटी चेंज होती है तो इस वेगा में क्या चेंज होगा, वो एटीएम पे चेंज नहीं होती है। आप समझिए कि जो इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द वोलेटाइलिटी ऑन द वेगा इज अनचेंज्ड ऑन द एटीएम। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जब वोलेटिलिटी चेंज होगी उसका इफेक्ट ऑप्शन के प्राइस पे क्या होगा, उसको वेगा बोलते हैं। ठीक है, और वोलेटिलिटी के साथ वेगा में क्या चेंज होगा वो हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो एटीएम की जो स्ट्राइक है वहाँ पे वेगा चेंज नहीं होता है, तो आईवी जब बढ़ेगा, यानी कि ये जो है 45 वाला केस आप कह सकते हो, जब 45 आईवी हो जाएगा तब जो है चार्ट कुछ ऐसा प्लॉट होगा। अगर आईवी कम होता है, ठीक है, तो आईवी कम होगा तो कैसा होगा, अगर आईवी कम होगा तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये जो है आउट द मनी में और कम इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे टच होगा। ओके, यहाँ पे टच होकर के और ये आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एटीएम के आसपास जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एटीएम की जो स्ट्राइक है वो उस पर आईवी का कोई इफेक्ट नहीं है, आउट द मनी और इन द मनी पे डेफिनेटली फर्क है। क्या फर्क है, आईवी अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो वीगा बढ़ेगा। ठीक है, वीगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईवी फॉर कहाँ पे, आईटीएम
एंड OTM। तो IV के साथ इन द मनी और आउट द मनी में वेगा बढ़ेगा, लेकिन ATM की स्ट्राइक पे जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप जब इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेटर एक्सेल आपके साथ शेयर किया गया है, लिंक आपके साथ गूगल ड्राइव पे शेयर किया गया, वहाँ पे आप जाके IV चेंज करेंगे तो आप देखोगे कि ATM स्ट्राइक पे वेगा चेंज नहीं हो रहा है, जब इन द मनी आउट द मनी है तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, और वो चेंज जो है डायरेक्टली ऐसे ही हो रहा है। तो उनको उन वैल्यूज़ को अपलोड करोगे तो आपके पास ऐसे ही चार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रैक किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ट्रेडिंग में जब हैवी वोल्टेलिटी होगी, ठीक है, तो ATM पे वेगा तो मैक्सिमम है, लेकिन उस वेगा में कोई चेंज नहीं आएगा ATM में। लेकिन जो आप देखो कि जब वोल्टेलिटी बढ़ती है, ठीक है, जब वोल्टेलिटी बढ़ती है तब क्या होता है कि जो आउट द मनी है नियर बाय ATM से आगे की स्ट्राइक है या कम अंदर की स्ट्राइक है, वहाँ पे प्राइस जो है ड्रास्टिकली बढ़ने लग जाते हैं। ओके, और वेगा जो है ज़्यादा बढ़ता है इस साइड ATM के साइड में, और वहाँ पे प्राइस कम होता है, तो वहाँ पे प्राइस जो है एक्सपोनेंशियल बढ़ने लग जाते हैं इन द मनी और आउट द मनी ATM के कंपैरिजन में, यानी कि परसेंटेज ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्राइस ड्यू टू वेगा, वेगा में जो चेंज आया उसके कारण जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो एक्सपोनेंशियल बढ़ने लग जाते हैं ATM स्ट्राइक्स को छोड़कर इधर उधर। ठीक है, डेफिनेटली IV का सबसे ज़्यादा जो वोल्टेलिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो ATM स्ट्राइक पे है, लेकिन जब वो फर्दर चेंज होती है तो उसका इफेक्ट ATM स्ट्राइक पे नेग्लिजिबल हो जाता है और इन द मनी और आउट द मनी ज़्यादा होता है। जो सेकंड असाइनमेंट थी वो इसी से रिलेटेड थी, आपको जो है डायरेक्ट प्लॉट करना था कि IV के अगेंस्ट वेगा कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, हालांकि वहाँ से आपको पता लग गया, वो चार्ट बनाया, वही चार्ट इसका सॉल्यूशन भी है, वहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो इन द मनी है वहाँ पे कैसे बढ़ेगा और आउट द मनी है वहाँ पे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन द मनी आउट द मनी दोनों का ही चेंज सिमेट्रिकल होता है, एक बेल आइकन बेल जैसा जो है वहाँ पे चार्ट बनता है। ठीक है, और वहाँ पे सबसे पहली बात तो क्या है कि ATM जो स्ट्राइक है, ATM की स्ट्राइक पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो ATM ये लाइन आपको दिख रही है, ATM की स्ट्राइक पे कोई चेंज नहीं है, वो वहाँ पे देखा तो ATM का जो वेगा है वो एज इट इज ही रहने वाला है जैसा कि वहाँ पे था पहले ही वोल्टेलिटी के कारण, IV के कारण यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये जो है IV है, यहाँ पे आप इसको जो है इम्प्लाइड वोल्टेलिटी लिख सकते हैं, जो वोल्टेलिटी है वो चेंज होगी। ठीक है, जो ATM के आसपास है 5% 2% उनकी जो वैल्यू है वेगा की जल्दी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू फार ITM है, डीप ITM या फार ATM के, यानी कि जो 2% का है वो और भी जल्दी यहाँ से उठना चालू होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और जो 10 है 15% है वो और लेट होगा। ठीक है, एक टाइम तक जो है वोल्टेलिटी के बढ़ने तक धीरे धीरे बढ़ेगा, और जैसे ही वोल्टेलिटी शार्प इंक्रीज होगी उसके बाद जो है एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा वेगा में, और कुछ देर बाद जो है ये मैच्योरिटी पे पहुंच जाएगा, यानी कि उसकी जो चेंज है फर्दर वो नहीं होंगे। ठीक है, ये सब चार्ट आपने देखा होगा, लेकिन ये चार्ट गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि ये आधा चार्ट है, आप सभी ने यही देखा होगा गूगल पे या फिर दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे भी आपने ट्राई किया। ये चार्ट आधा क्यों है, ये चार्ट इसलिए है क्योंकि जब ये फर्दर इंक्रीज होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई हुई, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि वोल्टेलिटी IV जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जब IV बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये मैच्योरिटी के बाद जो है दोबारा से गिरने लग जाते हैं। ओके, ये जो है वापस से गिरने लग जाते हैं, और ये सॉल्यूशन जो है आपको खुद करते तो पता लगता, जब आप IV की वैल्यू बढ़ा रहे हो, अब जब आप IE की वैल्यू 45 कर रहे हो, ठीक है, और 100 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 500 कर रहे हो, ठीक है, एक लेवल पे जा करके एक स्ट्राइक का जो IV वेगा है वो कांस्टेंट हो जाता है, जब उसको आप फर्दर करोगे इंक्रीज तो उसकी जो वेगा है वो रिड्यूज होने लग जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये रिप्लाई किया था मुझे लग रहा है कि उन्होंने खुद ट्राई नहीं किया, वो उन्होंने सिर्फ जो है दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट किया था। आपको खुद ट्राई करना चाहिए था एक्सेल में या फिर जितने भी ऑनलाइन अवेलेबल है ग्रीक्स कैलकुलेटर, वहाँ पे आप IV को बढ़ाते, एक लेवल के बाद बढ़ाते, आपने 10 किया, 15 किया, 20 किया, आपको जो है ये लेवल मिल गए, इस लेवल के बाद जो है IV धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और फिर कुछ देर तक जो है IV सैचुरेटेड हो जाता है, IV के साथ जो है वेगा सैचुरेटेड हो जाता है,
उसके बाद हालांकि प्रैक्टिकली इतना आईवी कभी देखा नहीं है जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ये रिड्यूज होना चालू होगा, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा आईवी है, उतना आईवी कभी प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली आप आईवी कुछ भी लेके जा सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ये इन द मनी और आउट द मनी है, यानी कि जो एटीएम के अलावा जो दूसरी स्ट्राइक है वहाँ पर जो है ये गिरने लग जाएगा वापस से, ठीक है, ये गिरने लग जाएगा। तो ये चार्ट कुछ ऐसा बनता, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कभी मार्केट ने कभी देखा नहीं, हमने किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स में देखा नहीं है, लेकिन पॉसिबल कुछ भी है। तो आपको जो है इस चार्ट को ऐसे आगे बढ़ाना चाहिए था और तब जो है ये ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलता। लेकिन जो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल है वो ठीक है, यहाँ तक का ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो जो सिनेरियो मैं बात कर रहा हूँ, जो केस में बात कर रहा हूँ, वैसा जो है सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी ऐसा देखा नहीं है, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन थे, आप में से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको पता होना चाहिए। तो अब जो है हमारा ग्रीक्स पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है, एक वीडियो बाकी है ग्रीक्स पे, इसको जो है हम आगे कवर करेंगे, कुछ एक्चुअल ट्रेडिंग जो है ऑप्शंस की स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से, उसके कुछ स्टेप्स हो जाएंगे, लर्निंग हो जाएगी, एक्चुअल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, उसके बाद एक कंक्लूजन वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है हमने डिस्कस किया था प्राइस का इफेक्ट, टाइम का इफेक्ट और वोल्टिलिटी का इफेक्ट जो है हमने डिस्कस किया था डेल्टा में, थीटा में, वेगा में और गामा में, ठीक है। तो इनका इन तीनों पैरामीटर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, कौन सी स्ट्राइक चूज करनी है, कौन सी एक्सपायरी चूज करनी है, कितनी दूर की एक्सपायरी चूज करनी है और आईवी कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए, वो जो है एक पूरी टेबल जो है वहाँ पे हम बनाएंगे। इसके अलावा एक मेजर इंपॉर्टेंट ग्रीक्स बाकी है जो हमने नहीं पढ़ा, कभी बीच में टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ा देंगे, ठीक है, वो है आरएचओ, ठीक है, लेकिन इसका जो है अपने इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा असर एक्चुअल में पड़ता नहीं है, ठीक है, ये पहले से हम इसको कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो हम सिर्फ तीन पैरामीटर हैं जो प्राइस का इफेक्ट, टाइम का इफेक्ट और वोल्टिलिटी का, इन तीनों को ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। जो डिविडेंड का है और इंटरेस्ट रेट का है उसको हम कंसीडर करते नहीं हैं, उनको हम पहले से ही फिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उनको एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में आपको जो है मोस्टली ये तीनों ही यूज होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एक्चुअल ट्रेडिंग का स्टार्ट करेंगे, बेसिक फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद जो है रियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, स्प्रेड का, नेकेड का और जितनी भी स्ट्रेटजी है, शॉर्ट का, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, स्प्रेड, ओके, उन सबको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर जो है वापस से एक बार ग्रीक्स का कंक्लूजन लेंगे और एक वीडियो के बीच में पुट कॉल पेरिटी का बनाना बाकी है, उसको हम जो है बेसिक बाइंग और सेलिंग के बाद कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।